हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम समरी कर रहे हैं चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट से, ग्रेड 10 इकोनॉमिक्स। पहले जमाने में क्या होता था कि लोग जो हैं एक कॉमोडिटी के बदले दूसरी कॉमोडिटी को एक्सचेंज करके अर्निंग करते थे और ये डिपेंड करता था उनकी रिक्वायरमेंट में। इसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। जो भी एक्सचेंज किया जाता था गुड्स को बार्टर सिस्टम के अंदर, उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की रिक्वायरमेंट होती थी। मनी जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में हट जाता है बीच में से, यानी कहना चाहिए कि जो जरूरत है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, उसमें क्या होता है कि मनी की जरूरत नहीं होती। अब जो है मनी एनेबल करता है एक्सचेंज प्रोसेस को, इसीलिए इसको जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाने लग गया है। जो पहले मनी की फॉर्म्स थी वो ज्यादातर चीजें थी जो कि डेली इस्तेमाल के लिए थी। मॉडर्न करेंसी क्या क्या है? आज हम पेपर नोट्स का और कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनएक्सपेंसिव मेटल्स की बनी होती है। इनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू तभी है जब तक ये जो है गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के द्वारा ऑथराइज करी गई है। इंडिया के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही एक ऐसी लीगल अथॉरिटी है जो कि करेंसी नोट्स को इशू कर सकती है या कॉइन्स को इशू कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। रुपी जो है इंडिया की करेंसी है और कोई भी इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता कि अगर पेमेंट जो है रुपीज में किया गया है इंडिया के अंदर, तो कोई भी जो है उसको लेने से मना नहीं कर सकता। बैंक क्या होते हैं? ज्यादातर लोग जो है अपना एक्स्ट्रा कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक जो है वो जो डिपॉजिटर होता है, जो भी अपना डिपॉजिट करता है, उसको इंटरेस्ट भी देती है साथ में, क्योंकि वो अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, इसलिए बैंक की तरफ उसे जो है एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलता है। अब ये जो बैंक डिपॉजिट्स हैं इनको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। एक इंसान को सिंपली एक अकाउंट की जरूरत होती है बैंक के साथ, ताकि वो जो है अपने मनी को वहां डिपॉजिट कर सके। चेक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है ताकि पेमेंट डायरेक्टली किया जा सके बैंक से, ये जो भी बैंक डिपॉजिट है, बिना किसी कैश के। चेक क्या होता है? चेक एक ऐसा रिटन इंस्ट्रक्शन है बैंक के नाम पे जो कि अकाउंट होल्डर द्वारा दिया जाता है एक स्पेसिफिक सम के लिए और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसके डिपॉजिट से। मतलब अगर हमें किसी को पैसे देने हैं तो हम उसके नाम का एक चेक बनाएंगे और तब जो है उसके लिए हमारे बैंक के अकाउंट से जो भी पैसे जमा है उसमें से उतना अमाउंट निकल जाएगा। चेक में जो है सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिस भी पर्सन का है कि किसको पेमेंट दिया जा रहा है, कौन सी कितना अमाउंट है, क्या डेट है पेमेंट की, और जो अकाउंट होल्डर है उसके सिग्नेचर, तभी जाके चेक इशू होता है। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट्स और टर्म ऑफ क्रेडिट्स की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार बैंक जो है लगभग 15% जो है जो डिपॉजिट्स होते हैं वो कैश की फॉर्म में होल्ड करता है, ताकि जो डेली विड्रॉल्स हैं डिपॉजिटर्स द्वारा उनको अरेंज कर सके। मेजर पोर्शन जो रिमेनिंग डिपॉजिट्स का होता है वो ज्यादातर बैंक्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है लोगों को लोन देने के लिए। जो डिपॉजिटर्स हैं बैंक के, उनको ये इस बात का अलाउ है या परमिशन दी गई है कि वो अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर सकते हैं डिमांड पर, या उनको जो है इंटरेस्ट दिया जाता है उनके डिपॉजिट्स पर। जो बोरोअर्स होते हैं जो कि लोन्स लेते हैं, उनको रीपे करना होता है बैंक को इंटरेस्ट के साथ। जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है लोन्स पर वो जो है कहीं ज्यादा होता है जो कि इंटरेस्ट बैंक द्वारा दिया जाता है डिपॉजिट्स पर। तो डिफरेंस जो है इंटरेस्ट का जो कि लोन पे चार्ज किया जाता है, या जो इंटरेस्ट डिपॉजिट्स को जो बैंक देती है उसको जो है हम बैंक इनकम या प्रॉफिट कहते हैं। जो लोन बैंक द्वारा दिया जाता है उसको क्रेडिट भी कहा जाता है। लोन या क्रेडिट जो है कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग दिया जाता है जिसपे जो भी लोन ले रहा है उसको एग्री करना जरूरी है। अब ये जो कंडीशंस है इनको टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं, और इसमें क्या क्या कंडीशंस शामिल होती हैं? एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कुछ सिक्योरिटी आपको लोन के अगेंस्ट जो है जमा करनी होगी कि बाय चांस अगर मनी आपको रिकवर करना है, कैसे रिकवर करेंगे, आप जो है पैसे पूरे नहीं रिपे कर पाए, तो अब वो जो सिक्योरिटी रखी गई है उसके बिहाफ पे आपका पैसा वसूल किया जाएगा। इस सिक्योरिटी को जो है कोलेट्रल कहा जाता है। जो एसेट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं कोलेट्रल के फॉर्म में वो ज्यादातर लैंड होती है, प्रॉपर्टी होती है, व्हीकल्स होते हैं, लाइफ स्टॉक होता है, स्टैंडिंग क्रॉप्स होते हैं, या फिर बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। बोरोवर को जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने जरूरी है, जैसे कि आईडी प्रूफ हो गया, रेजिडेंस हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, या इनकम बताना, ताकि वो लोन ले सके। जो लेंडर होता है उसके पास ये राइट होती है कि वो ये जो कोलेट्रल हैं उनको जो है बेच सकता है बाय चांस अगर जो है लोन अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया उसके अगेंस्ट। लोन जो है जनरली एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है और उसको जो है पर्टिकुलर डेट पर रीपे करना जरूरी होता है।
अब ये जो बोरोअर है ये रीपे कर सकता है लोन को कैश की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में, या कार्ड के थ्रू इंस्टॉलमेंट से, या फिर एक बार वन टाइम रीपेमेंट करके, जो भी स्पेसिफिक मोड है रीपेमेंट का उसके थ्रू। कोलेटरल जो है वो सिक्योरिटी होती है जो कि बोरोअर द्वारा प्रोवाइड करी जाती है लोन के अगेंस्ट, और अगर नॉन रीपेमेंट हुआ या नॉन पेमेंट हुआ तो उस केस में इस कोलेटरल को बेचा भी जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये जो क्रेडिट है यानी ये जो लोन है ये एक पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज लाता है इंसान की लाइफ पर। अब आते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट। डिफरेंट सोर्सेज जो क्रेडिट के हैं वो कौन कौन हैं? बैंक्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं। बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर हैं क्रेडिट के। लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये जो बाकी सोर्सेज हैं क्रेडिट के वो इनफॉर्मल सेक्टर माने जाते हैं क्रेडिट के। फॉर्मल सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है बहुत ही मार्जिनल, जैसे कहिए इनफॉर्मल सेक्टर जो है हमारा उसके हिसाब से बहुत ही मार्जिनल लेवल पे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा। ये जो क्रेडिट एक्टिविटीज होती है फॉर्मल सेक्टर की ये सुपरवाइज करी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्रेडिट देता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, कोई भी सुपरवाइजरी बॉडी नहीं होती है। जो क्रेडिट एक्टिविटीज होती है इस सेक्टर की वो खाली प्रॉफिट के लिए करी जाती है और उसमें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो बोरोअर है उसने ज्यादा पैसे देने पड़े अपने लोन को चुकाने के लिए और उसको कम पैसा मिला खुद के लिए। ये एक तरह से दोहरा जाल होता है। जो रिच लोग होते हैं उनके पास क्या होती है, ज्यादा एक्सेस होती है चीप क्रेडिट की फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, जबकि जो गरीब होते हैं उनको अपने लोन्स के लिए जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए डिपेंड करना पड़ता है इन्हीं इनफॉर्मल सेक्टर्स पे। चीपर क्रेडिट जो है वो कहीं ज्यादा जरूरी है डेवलपमेंट के लिए कंट्री के अंदर। फॉर्मल सेक्टर जो है वो कहीं ज्यादा अफोर्डेबल क्रेडिट ऑफर करता है और इसी वजह से अब उसकी जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ जो है वो लेंडिंग बढ़ती जा रही है, खासतौर से रूरल एरियाज में। फिर आते हैं SHEG पे। SHEG क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो गरीब हाउसहोल्ड्स हैं इंडिया के अंदर वो ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड करते हैं अपने क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स के लिए। बैंक डिमांड करती है कोलेट्रल, क्योंकि वो जब भी लोन देगी तो वो कोलेट्रल को डिमांड करेगी और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास ऐसी चीज कोई होती नहीं है। अब अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनको ऑर्गेनाइज किया है। एक ग्रुप होता है 15 से 20 मेंबर्स का जो कि रेगुलरली सेव करता है ताकि सेविंग पूल्स बना सके। अब इस मेंबर्स के जो ग्रुप्स हैं या जो कहते हैं मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के, वो जो है छोटे छोटे लोन्स लेते हैं अपनी इन कंबाइंड सेविंग से। फिर ये जो लोन है ये इंटरेस्ट देता है बहुत कम रेट पे, या इसको इंटरेस्ट बहुत कम रेट पे मिल जाता है। रेगुलरली कुछ सालों तक सेविंग करने के बाद ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये इतना एलिजिबल बन जाता है कि ये जो है एक बैंक से लोन ले सके बिना किसी कोलेट्रल को प्रोवाइड करे। बैंक लोन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया जा सके जो कि ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए। मेंबर्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के होते हैं वो ज्यादातर सारे डिसीजंस जॉइंटली लेते हैं और जॉइंटली ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोन के रीपेमेंट के लिए। बैंक्स जो है आजकल जो गरीब वुमेन हैं उनको भी लोन दे रही है जो कि ऑर्गेनाइज होती है इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो गरीब लोगों को अलाउ करते हैं कि वो जो है अफोर्डेबल और ईजी क्रेडिट को एक्सेस कर सके। जो ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश का वो एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल माना गया है क्योंकि वो ज्यादातर ये जो क्रेडिट नीड्स हैं गरीब लोगों की उसे अफोर्डेबल रेट्स पर प्रोवाइड कराने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये थी हमारी समरी चैप्टर मनी एंड क्रेडिट की। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।